और ये रास्ता है फोर्ट की तरफ जाने का। अब हम लोग जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फोर्ट। ठीक है, काफी इन्होंने काफी अच्छा इंतजाम है। अगर कराची के अंदर से लोग आना चाहते हैं तो काफी करीब है ये, और काफी अच्छा मैनेज किया मैंने लोगों ने। ठीक है जी, चलते हैं अब हम लोग अपने फोर्ट की तरफ। ये कुछ मेरे ख्याल में एक्सकेवेशन स्टार्ट थी यहाँ पे, कुछ इन्होंने लगा के वायर्स बंद किया हुआ है, और इधर कुछ मेरे ख्याल में कुछ चल रहा होगा सिस्टम रेस्टोरेशन का। और ये हम लोग जा रहे हैं इसकी तरफ, ये नेचुरल डंड, मतलब इंग्लिश और सिंधी बोल दिया, कुदरती डंड मतलब झील है मेरे ख्याल में, नेचुरल लेक है ये जो के इस तरफ पड़ती है। काफी बड़ी झील है जी। अच्छा जी, यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ससी का घर है, ये जो है लोग काफी इधर आते हैं, और काफी लंबा ये फसीलें बनी हुई हैं। बेसिकली ये सारा फोर्ट है, फोर्ट बम्बोर कहते थे, क्या कहते थे इसको, बम्बोर का किला। ये जो आउटर सिटी का शहर जो बाहरी हिस्सों, ठीक है, ये बाहर का हिस्सा है, हर शहर में इंक्लूडिंग लाहौर किले के बाहर जो इलाका होता था वो आउटर सिटी कहलाता था, शहर किले के अंदर माना जाता था। बिल्कुल जी, ये किले की दीवार है, लिखी भी है इन लोगों ने। ये काफी अच्छा अरेंजमेंट तो काफी अच्छा किया है इन लोगों ने, बताया हुआ है काफी ज्यादा अच्छा। ये सारी दीवारें चल रही हैं साथ साथ, ठीक है ना, ये और लोग विजिट कर रहे हैं इस जगह को। आप आगे चलते हैं, अब ये तो पता नहीं है कि ये रूम्स हैं ये क्या हैं, लेकिन बहरहाल डेफिनेटली यही रूम्स हैं, रूम्स के आसार जरूर हैं। इन लोगों ने मेरे ख्याल में रिस्टोर किया है इसको, लेकिन आसार जरूर इनके नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ था, ठीक है। हाँ जी, ये हम लोग किले की तकरीबन हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए, ठीक है, यहाँ से किला तकरीबन सारा देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये झील है पीछे, और आगे हम लोग चलते हैं, ये यहाँ से किले की सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, काफ़ी टॉप पर है ये, ठीक है। ये कमर्शियल एरिया है जो किले की, मेरे ख्याल में जो बाजार वगैरह चलता था, तो ये वो है एरिया। ये सारी, ये अभी हम लोग किले की बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट साइड पे हैं, और क्या कहते हैं, और हाईएस्ट उस पे पीक पे हैं, समिट पे बैठे हैं हम लोग यहाँ पर आकर। और लोग यहाँ शिपिंग भी कर रहे हैं, वो सामने एक बंदा यहाँ फिशिंग कर रहा है, वो सामने बैठा हुआ एक बंदा बैठा हुआ, एक बंदा बेचारा अकेला। अबे मच्छी पकड़ा, मच्छी पकड़ा। ये क्या जगह है, आप ये देखें स्ट्रैटेजिकली, ये जो किला सिचुएटेड है सेंटर ऑफ द सिटी है समझ लें, आस पड़ोस में इधर आपके झील है, इधर आपके समंदर टाइप चीज चल रही है, दरिया चल रहा है, और ये आप बीच में लेके बैठे हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है बाबा, पुराना घर है भाई, ये किसी ने इसके ऊपर जो है ना कमरा सा बना दिया है, और ये यहाँ पर अच्छा, जो ये जो चीज़ है मेन मॉस्क यहाँ पर, ये ग्रैंड मॉस्क है बेसिकली साउथ एशिया की सबसे पहली मस्जिद, ये यहाँ पर है। अच्छा, ये मस्जिद भी काफ़ी उस ज़माने के अतबार से बड़ी मस्जिद है काफ़ी। मैं आपको करीब ले जाके ये रास्ता बना हुआ है,
ये है ग्रैंड मॉस्क, ये जनूबी एशिया की पहली मस्जिद है। ये किले का दूसरा एंड है और देखिए यहाँ से सब कुछ नजर आता है। वो कमर्शियल एरिया था सामने, ये मॉस्क एरिया है और काफी लंबा दूर तक जाता है। फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया तुमने देखी अभी। हाँ तो ये कोई चीज ऐसी इन्होंने बाहर लगाई हुई है, लेकिन इसमें कोई नोटिंग नहीं हुई हुई, कोई चीज बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ है ऐसा। यहाँ सबसे अच्छी चीज जो है ना, एक सबसे अच्छा साइट सीन के लिए वो तो फोर्ट वगैरह है एक इंटरेस्टिंग चीज, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो दरिया किनारे आए तो मुझे आप लोग तो फील नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ठंडी हवाएं हैं, धूप के अंदर भी ठंडी हवा आ रही है, 30-31 टेम्परेचर होगा, लेकिन इधर हमें फील ही नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छा व्यू है, आप लोग मस्ट विजिट है, यहाँ पर करें कराची वाले, प्रमोट करें टूरिज्म को। लेकिन इस पे बोर्ड नहीं है, हाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, क्रीक लिखा हुआ है, उस पे मेन गेट लिखा हुआ है। अच्छा, ये मेन गेट है, बेसिकली फोर्ट का मेन गेट है, ठीक है। क्रीक आ गया बेसिकली, एंड आ गया बेसिकली, जो है ना समंदर आ गया उसके आगे, ठीक है। ये क्रीक और ये मेन गेट, वैसे ये एंट्रेंस गेट है, वो हम लोग बैक डोर से निकले हैं, लेकिन आए जो अंदर बैक। हवा बहुत ठंडी आ रही है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा आ रही है। ये बहुत अच्छी साइट है। ये तो है, हाँ ऑब्वियसली। जनाब ये ऐसा है कि ये दरिया का पूरा सीन है, हम लोग फोर्ट से बाहर आ चुके हैं, ये दरिया है, इसमें बोटिंग भी हो रही है और फिशिंग भी हो रही है, इधर लोग करते हैं फिशिंग भी, और ये मैंग्रोव्स हैं, और ये पूरा पूरा का पूरा फोर्ट है, और ये फोर्ट की एंट्रेंस है, ठीक है। लोग आते हैं यहाँ पर इंजॉय करते हैं। और एक चीज़, यहाँ पर टिकट भी है, एडल्ट के लिए 30 रुपीज़ है, और मेरे ख्याल में बच्चों के लिए 10 और 20 रुपीज़ है, फॉरनर्स के लिए 300 रुपीज़ है। तो मस्ट विजिट है, आ जाओ भाई। बम्बोर से होते हुए रास्ते के बहुत सारे फार्म हाउसेस विजिट करते हुए होते हुए हम लोग अब जा रहे हैं कैफे इमरान घारू, तो वहाँ जाके टूर हमारा एंड होगा। तो भाई क्या कहते हैं हनुमान भाई, अगर भंबोर को आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, इसलिए कि एक तो लोगों को पता ही नहीं, उनके जहन में आता है कि सस्सी पुन्नों के दौर की चीज़ है, लेकिन दे नीड टू रियलाइज कि कुछ चीज़ें जो है वो जैसी पहले थी वैसी ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खेत और बहुत सारी, ये देखें आप, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ट्यूबवेल है और उसके अंदर कुछ खास परिंदे भी जो हैं वो तैराकी कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का वक्त है, दिन 1-2 बज रहा है इस वक्त दिन का, तो ये सब चीज़ें देखने के काबिल हैं। आई थिंक एवरीबडी शुड कम एंड विजिट, हार्डली 1-1.5 घंटे का यहाँ पे पूरा स्पैन है, जिसमें आपका म्यूजियम, किला और ये सारे आसपास के फार्म हाउसेज शामिल हैं। तो लास्ट स्पॉट कैफे इमरान धारो पे, यहाँ से खाना खाएंगे और इधर का एक अलग एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह अंदर चलते हैं। अच्छा सिस्टम है, आ गया तो ये माश की दाल है और मटन कीमा है, नान के साथ और स्टार्टर्स विद सलाद एंड रायता,